नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे चैनल ठाकुर एग्रो जंक्शन में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मक्का की खेती के बारे में। तो मक्का जो है एक पोएसी फैमिली का पौधा है, जो ये धान और गेहूं के बाद सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है ये हमारे इंडिया में। इसके लिए जो आपको जलवायु के लिए जलवायु की आवश्यकता पड़ती है वो अंकुरण के लिए 21 डिग्री सेल्सियस और पौधे की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए 32 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है। वार्षिक वर्षा आपको 125 से 150 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। इसके लिए भूमि की बात करें तो जीवांश युक्त दोमट उर्वर मिट्टी ज़्यादातर करके अच्छी मानी जाती है इसके जल निकास के लिए, और इसमें जल निकास का प्रबंध अति आवश्यक होना चाहिए इस मक्के की फसल में। और इसके लिए मिट्टी का पीएच जो है आपको 6.8 से 7.5 होना चाहिए। बात करें इसके किस्मों की तो हाइब्रिड किस्मों में गंगा 2 जिसके पकने की अवधि 100 से 105 दिन है, इसकी उपज आपको 45 से 50 कुंटल पर हेक्टेयर मिलेगी। मालवी संकर ये 90 से 95 दिनों में हो जाती है, इसके भी उपज 40 से 45 कुंटल आपको मिलेगी। प्रकाश है, प्रकाश 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाती है, जिसकी उपज आपको 35 से 40 कुंटल पर हेक्टेयर मिलेगी। एक वैरायटी है KS5981, ये भी 85 से 90 दिनों में आती है और इसकी उपज आपको 70 से 80 कुंटल पर हेक्टेयर मिलती है। अगर आप लावा के लिए खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए अंबर पॉपकॉर्न या पर्ल पॉपकॉर्न सही है। अगर आप बेबी कॉर्न के लिए करना चाह रहे हैं तो BL42 या फिर प्रकाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चारे तो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अफ्रीका टल या J1006 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके लिए लगने वाली खाद की मात्रा की तो आपको गोबर की खाद 100 से 120 कुंटल पर हेक्टेयर, नाइट्रोजन 120 केजी, फास्फोरस 60 केजी और पोटाश 40 केजी, जिसकी आधी मात्रा बुआई के समय और शेष मात्रा 25 से 30 दिन बाद जब फसल उग जाए उसके बाद आपका इस्तेमाल करना है। बुआई का समय होता है खरीफ में 1 जून से 15 जून, रबी में 15 अक्टूबर से नवंबर फर्स्ट वीक तक, और बसंत ऋतु में आप फरवरी से मार्च तक इसकी बुआई कर सकते हैं। बीज दर की बात करें तो हाइब्रिड बीज में आपको 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर चाहिए होगा, और अगर देसी वैरायटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 15 से 18 केजी पर हेक्टेयर लगने वाला है बीज। सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर आप अच्छी उपज चाहते हैं और पौधों की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए आप 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से बोस्टीन नामक जो आता है उसके साथ आप ट्रीटमेंट करके ही सीड को बोएं। खरीफ में पौधे उगने के 15 दिन बाद सिंचाई आप इसकी कर सकते हैं, क्योंकि अब वर्षा नहीं हो रही है तो वर्षा होने के बाद आप उसकी सिंचाई नहीं करेंगे। सिल्किंग से दाने बनने की अवस्था में भी अगर नहीं हो रही है बरसात के क्षेत्र में तो आप उस समय उसकी सिंचाई अवश्य करें, नहीं तो उसकी उपज ख़राब हो जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी कटाई की। तो चारे के लिए आप 60 से 65 दिन में इसकी कटाई करें, दाने के लिए आप 75 से 80 दिनों में, और हाइब्रिड वैरायटियों का जिनकी उपज ज़्यादा होती है तो उनकी उपज कटाई आप 100 से 105 दिनों में कर लें। इसमें लगने वाले कीट की बात करें तो इसमें लीफ रोलर, स्टेम बोरर टाइप के ही इसमें रोग लगते हैं, जिसके लिए आप 1.5 लीटर इंडोसल्फान का 35% ईसी का 1000 लीटर पानी में आप छिड़काव करते हैं। अगर आप स्टेम बोरर लग रहे हैं तो इसमें थाइकोग्रामा विलोसिन नाम का एक आता है वो अलगे ही, उसका आप 30 दिन बाद 10 दिन की फसल में जब खड़ी हो जाए तो उसके बाद आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 बार इस्तेमाल करना है आपको 10-10 दिन के अंतराल में। डिजीज़ कंट्रोल इसमें आते हैं आपको साल्ट रोड, इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है कि उसमें पाई नहीं लगना चाहिए, और लीफ ब्लाइट और डायमिल्डू के केस में आप 0.3% इंडो फिल्म का 45% का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फसल में, जिससे उसमें कोई भी रोग नहीं लगेगा तो उससे आपकी उपज अच्छी मिलने वाली है। खास देने वाली बात यही होती है कि इसमें आपके मक्के की फसल में आपके पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इसमें सल्क रोड की कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे उपज पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, क्योंकि मक्के की जो फसल है वो गिर जाती है और आपको फसल ख़राब हो जाती है। इसमें कटाई के समय ध्यान देने वाली बात है कि उसमें मॉइस्चर जो है 15% तक हो, उस समय आप उसकी कटाई कर दें, उसके बाद उसका भंडारण करें। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए और इतना आप लोगों का प्यार बनाने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपके साथ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करता रहूँगा। आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद।